5 दिन में गुजरात विज्ञान में सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं जगहों में आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट रेन का साथ साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का संभावना है। आज और कल यानी डे 1 डे 2 में चांसेस काफी कम है, बट लोकलाइज फिनोमेना हो सकता है, जैसे कच्छ बानसकांडा पाटन में हो सकता है। कल भी कच्छ बानसकांडा पाटन में भी संभावना है। डे 3 डे 4 डे 5 ऑनवर्ड्स मोस्टली जो एक्टिविटी रहेगा अमरेली भावनगर बोटाड इवन साउथ गुजरात में सूरत भरूच वलसाड नवसारी में होने का भरूच में होने का संभावना है। मतलब बारिश की वजह से फिलहाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अप्रोच होने वाला है और एक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट अरबियन से अडजॉइनिंग पाकिस्तान बना है और एक सर्कुलेशन है साउथ राजस्थान का ऊपर। वो सारे का कारण के वजह से गुजरात में कहीं किधर लाइट रेन का साथ साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है। और डे 4 डे 5 के लिए डे 3 डे 4 डे 5 के लिए थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का वार्निंग भी दिया जाएगा। फिशरमैन वार्निंग वगैरह कुछ है? फिशरमैन वार्निंग वगैरह कुछ अभी गर्मी कितनी है, तापमान कितना है अहमदाबाद? अहमदाबाद फिलहाल 40 डिग्री सेल्सियस कल शाम को रिपोर्ट हुआ है और अगले 4-5 दिन में मोस्टली 9-8 डिग्री सेल्सियस रहेगा टेम्परेचर। पूरे गुजरात में 1-8 डिग्री बढ़ सकता है और कहीं कहीं जगह में 1-8 डिग्री घट सकता है। इस सीजन में कल ही 40 डिग्री तापमान आया है अहमदाबाद। 40 डिग्री कल ही फर्स्ट टाइम अहमदाबाद में रिपोर्ट हुआ है। पहले भूज में हुआ था 40 डिग्री सेल्सियस, कल अहमदाबाद में हुआ है और आगे अहमदाबाद में आज 41 भी हो सकता है। 40-41